सबमिट कर दी थीसिस? यस, नॉट सबमिटेड माय थीसिस बट आई सबमिटेड माय फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द थीसिस. सो योर फाइनल कब जमा होगा? इट इज अ मंथ फ्रॉम नाउ, सो आई एम प्रीटी हैप्पी दैट आई सबमिटेड माय फर्स्ट ड्राफ्ट ऑन द डेडलाइन, बिफोर द डेडलाइन, अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर द डेडलाइन. द सेकंड थिंग, डू यू रिमेंबर यू वर टॉकिंग अबाउट माइकलएंजेलो पिस्टिलेटो? हां, वो इटालियन आर्टिस्ट है, बुजुर्ग है वो. एग्जैक्टली, द वन हु मेड अ पाइल ऑफ cloth wipes and fabric like that, and he made a giant paper ball, put it in the public for people to play. बहुत मस्त है कि एक मूर्ति, मतलब वो कुछ बना रहा था, उसको साफ कर रहा था, आईना पे बहुत सारा काम था उनका, तो कपड़े से पोंछते थे आईना को, कपड़ा फेंक देते थे, तो फेंकते फेंकते वो कपड़े का पाइल बन गया, तो उसी को, मतलब उसी को आर्ट में तब्दील करते. बहुत सुंदर काम है. अभी भी हुआ था, उसका एग्जीबिशन हुआ था मेरे ख्याल से अमेरिका में भी 3 साल अभी पिछले साल कहीं पे. ही बिलोंग्स टू अ मूवमेंट कॉल्ड आर्टे पोवेरा. आर्टे पोवेरा मतलब इटालियन हुआ ना ये, इट इज एन इटालियन वर्ड व्हिच मींस पुअर आर्ट. नाउ दिस पुअर आर्ट कॉन्सेप्ट हैज टू बी अंडरस्टूड विद इन द आर्ट ऑफ मिनिमलिस्ट आर्ट एंड द कॉन्सेप्चुअल आर्ट एंड ऑल्सो अगेंस्ट द होल आइडिया ऑफ हाई आर्ट. Where art is expensive, made with lots of expensive canvas, color, brush, and God knows what all, which not everybody can afford. So there was a movement in 67. So 60s and 70s when a lot of people, they joined in and they started putting up exhibitions of arts which are made by simple objects, everyday objects like fabric, stone, metal. The poor logon ke objects ho gaye. Yes, objects that are easily available, that are not very expensive. So this had not just to do with the material, also with the execution of that material. So it became less flamboyant, less elaborate, more like talking about direct life, direct issues. That was very interesting aspect, and our practice falls into the same category.